समाज हर व्यक्ति बहुजन समाज का कांशीराम जी की बराबरी करना चाहता है, उनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन जब बात आती है आइडियोलॉजी की या बलिदान की, कर्म करने की, वो काम नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं कर पाते हैं? सर्वप्रथम तो मैं सजान लेता हूँ गुरुओं की भूमि पंजाब से भारत के राजनीतिक गुरु माननीय कांशीराम जी को, पूरे समग्र राष्ट्र का सशस्त्र सम्मान है। आज पूरा राष्ट्र ने माननीय कांशीराम जी की बात को जाना है और पहचाना है। माननीय कांशीराम जी के विचारों पर चलकर लोग बहुत से कुछ साल काम कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं, वो सच बात है, मगर वो एक पार्ट के लिए काम कर, छोटे हिस्से के लिए काम कर पाते हैं। इतने बड़े हिस्से में जैसे माननीय कांशीराम जी ने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, घर के सबसे बड़े थे वो भी छोड़ा और ये वचन लिया कि मैं घर से जब अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं बनाऊँगा, मैं अपनी कोई शादी विवाह नहीं करूँगा, अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, ये सब उन्होंने वचन लिए। और अपने जब वचन लिया था उसके बाद से अंत तक उस वचन पर लागू रहे, कायम रहे। वो ऐसा नहीं किया जैसे बहुत से लोग हिंदू लोग बोलते हैं कि भाई रघुवर रीत सदा चली आई जान, रघुवर रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए, मगर किसने इन लोगों ने नहीं निभाया इस वचन को, इस देश के अंदर जो निभाया माननीय कांशीराम साहब ने निभाया है। उन्होंने ही यही कहा है कि जान चली जाए पर वचन ना जाए, वचन निभाया था। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करिए चाहते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, देश के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थे, सांसद बने, सब कुछ बने, मगर अपनी निजी संपत्ति के तौर पे हमारे लिए क्या छोड़ के गए? अपनी चप्पल, एक शर्ट, एक पैंट, वो उनकी निजी संपत्ति थी, कोई अकाउंट नहीं था उनका, कोई खाता नहीं था। आज छोटे छोटे काउंसलर को देख लीजिए, छोटे छोटे पदाधिकारी को देख लीजिए, धन से परिपूर्ण है। कहना बहुत आसान है माननीय कांशीराम जी जैसा बन सकते हैं, हम बन के दिखा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं, उनकी शक्ति, उनके विचारों की शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं, मगर उनकी तरफ विचार नहीं रख पाते। वो पवित्रता, त्याग की भावना सर्वोपरि है। उन जैसा त्याग तो सिर्फ भगवान बुद्ध ने किया था, बाबा साहब ने किया था, आज माननीय कांशीराम जी ने किया है। हम तो सब लोग छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे हिस्सों में उनके जैसे विचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं और त्याग की भावना को उनके अनुरूप चलाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम भी उनकी तरफ बनना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।